सो हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि पबजी मोबाइल का नया वर्जन अपडेट आ चुका है, और उसमें हमें ग्लिचेस के साथ साथ बग्स के साथ साथ काफ़ी एक नए फीचर्स देखने को मिले हैं। ग्लिचेस की और बग्स की बात की जाए तो तौबा तौबा भाई, बहुत ही गंदे गंदे ग्लिचेस आए हैं। बट उनके बारे में बात ना करते हुए हम करेंगे नए अपग्रेड की बात, जो कि है हंडर्ड रिदम मोड। और उसमें जैसा कि पता है, यूनिक पावर का डुप्लीकेट और चेयर पार्क का डुप्लीकेट, पता नहीं क्या क्या दोनों करके मिक्स कर दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन तीनों स्पेशल ताकतों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको उस मोड में मिलेगी, ताकि आप अपनी ताकतों का सही उपयोग कर पाएं और कोई आपका गलत उपयोग ना कर पाए उन ताकतों की मदद से। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो राइट विद द इंट्रो। आप थैंक यू। सो गाइस, सबसे पहले आपको बता दें कि तीन मोड्स आए हैं। सबसे पहली एबिलिटी का नाम है सोनिक स्कैन, और हर एबिलिटी के तीन लेवल्स हैं। जैसे जैसे आप उन लेवल्स को अपग्रेड करते जाएंगे, आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। और लेवल 3 पे आपके पास 3 पावर्स होंगी, तो हर एक का अलग अलग यूज़ है। एक गार्डियन, एक सोनिक स्कैन है, एक गार्डियन है। दैट्स मतलब सबके अलग अलग डिफरेंट नाम है, उनके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फैला दो वीडियो को। चलो भाई। सो गाइज, मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट एबिलिटी, जिसका नाम है सोनिक स्कैनर, जो कि भाई सीरियसली एक सस्ता ESP है। सस्ता भी क्या, एक प्रोफेशनल ESP है। मतलब एक बार रैंक पुश स्टार्ट हो गया ना, तो बंदे इसको लूट के खा जाएंगे, साले ESP वालों की मौत हो जाएगी। इसमें क्या करना है कि आपको अपनी एबिलिटी में आपको एक बॉम्ब जैसा कुछ मिलेगा, उसको अपने ओपोनेंट के थोड़े एरिया में फेंकना, और वो थोड़े जो उस एरिया के अंदर जितने भी ओपोनेंट्स होंगे, वो आपको उन सब की लोकेशन लोकेट करेगा। अगर वो पीक लेंगे एकदम से लाल रंग में, जैसे आपको दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर, एकदम से लाल रंग चमक रहा होगा उनके, और उनकी लोकेशन आपको एक छोटे से ऑरेंज मार्क जो कि आपको उसके सर पर दिख रही है, उससे लोकेट हो जाएगी। तो भाई इस बार रैंक पुश गजब होने वाला है, हैकर तो कतई मार देंगे तुम्हें। तो गाइस, अगर सेकंड लेवल की बात की जाए तो उसमें क्या, जब भी आप अपने ओपोनेंट के ऊपर फायर करेंगे तो ओपोनेंट को डैमेज मिलेगा, बट आपकी हेल्थ रिकवर होगी। और थर्ड मोड की बात की जाए तो आपको जब थर्ड लेवल एक्टिवेट करेंगे तो आपके ओपोनेंट के इस तरह से कुछ दिखेगा, और जब भी वो आपको डैमेज देगा, उसकी डैमेज बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और उसको आप आसानी से मर सकते थे। सो गाइज, अब बात करते हैं हमारे थर्ड एबिलिटी की। और आपको एक बात बताना भूल गया, जब आप लेवल अपग्रेड करेंगे आपको तीनों एबिलिटी मिलती रहेंगी। मतलब अगर आप एक को यूज़ करेंगे तो आपको एक और दो दोनों मिलेंगी। तो अब थर्ड लेवल की बात की जाए तो जब भी आप इसको एक्टिवेट करेंगे, आपके आसपास एक ऐसी छोटी सी शील्ड जैसी वॉल बन जाएगी, और जैसे अब आपको ओपोनेंट आपका डैमेज देगा तो वो आपको डैमेज काफ़ी हल्का, मतलब काफ़ी लाइट होकर डैमेज मिलेगा। क्योंकि देखो, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है उसमें 3 से 4 गोलियां मारी हैं, बट उसका इफेक्ट ही पड़ा। जब भी आप उसको लेवल 2 में अपग्रेड करेंगे तो आपको एक एनर्जी चार्ज करके आइकन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा, तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपको इंस्टेंटली आपको एड्रेनलिन बूस्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और आपकी हेल्थ अप होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं लेवल 3 की बात करें तो आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके जो गोल गेयर है ना, उसके अंदर आपकी रीलोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, और आपके ओपोनेंट की रीलोड स्पीड कम हो जाएगी, मतलब उसका रीलोड स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। सो गाइस, ये सब थी, मतलब ये था सेकेंड पावर के बारे में। आप बढ़ते हैं हम थर्ड पावर के बारे में, लेट्स ग्रो। सो गाइस, अब अगर आप बात की जाए लेवल जो आपका थर्ड और लास्ट एबिलिटी है, उसमें क्या होगा, आपको 60 सेकंड्स के लिए, आपको जैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे आपको एक गिली सूट मिल जाएगा 60 सेकंड्स के लिए। और उसको आप मतलब जब कहीं भी गिली सूट, मतलब जोन के मैच के स्टार्टिंग में आप गिली सूट लेकर घूम सकते हैं। और जैसे ही हम लेवल 2 पर अपग्रेड करेंगे, आपको क्या होगा कि जैसे ही आपके पास कोई मतलब गिली सूट तो मिलेगा मिलेगा, जैसे आपके पास कोई ओपोनेंट आ रहा होगा ना, आपको एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका ओपोनेंट आ रहा है, और मिनी मैप में जैसे देख सकते हो ऐसे गोल गोल आपके लाल घेरा बन जाएगा, लाल मने खतरा। ठीक है गाइस, इस तरह सेकंड से ये हो जाएगा। जैसे आप थर्ड पावर की तरफ करेंगे भाई, सीरियसली थर्ड पावर इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है थर्ड पावर। आप देखोगे तो भाई, जैसे आप थर्ड पावर में अपग्रेड करोगे तो क्या सीन होगा कि आपकी ना, जैसे TDM में ना आपकी पावर जो है अपने बढ़ते रहती हैं आराम से, मतलब जैसे आप थोड़ा फाइट के बाहर गए आप हीलअप होनेंगे, वैसे सिमिलरली इसमें जैसे आप थोड़ा साइड पे जाओगे ना, खिसकोगे फाइट से, आपकी हीलअप होने लगी पड़ेगी। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल, गाइस सीरियसली किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए कमेंट करो, मैं किसी भी पे यार डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको एक सिंगल पावर पे चाहिए। तब तक के लिए छबा खैर, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बूम बाम गाइस।